विपिन जी ने कि कितनी उसके समय के बाद ये हम फॉलो करते रहे तो हमको ये परियोजना मिली है, और आप सब बकरी पालक हैं और इसका लाभ आप तक ही जाएगा। और जैसा आपने बताया कि इसमें आप लोगों को जिस तरीके से अब तक आप बकरी पाल रहे हैं उसमें क्या तरीके में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। जैसे हमने पहले यहाँ सर्वेक्षण किया तो पाया कि बाड़ा वगैरह रहता है तो बकरियाँ ज्यादा सुरक्षित भी रहती हैं, चोर वोट करने का खतरा भी कम रहता है, आप उनको स्टार फीडिंग करवाते हैं तो उनकी ग्रोथ वगैरह भी अच्छी होती है, तो जल्दी तैयार होती है, आपको एक तरह से कहें तो आपकी इनकम बढ़ती है। तो जो भी आपको इसके तहत बताया जाए, अभी तो शुरुआत है, आप लोगों को परिचय ही एक तरह से कहें तो आज परिचय ही दिया जा रहा है इस बारे में कि क्या हम करने वाले हैं भविष्य में। तो आप लोग विश्वास संस्थान को, विपिन जी को, रेखा जी को पहले से ही जानते हैं, इस एरिया में काम कर चुके हैं लोग पहले। जैसा आपने बताया कि दो लोगों को हम मथुरा भेज रहे हैं ट्रेनिंग लेकर आएंगे, और मथुरा के भी लोग बैठे हैं जो विजिट में। अच्छा, विजिट में कौन कौन गया था मथुरा? मैम हमने इनको कैट एक्सपर्ट विजिट में लास्ट ईयर मथुरा भेजा था, आप लोगों को तीन लोग थे बस इसीलिए। अच्छा अच्छा, चलिए बड़ी अच्छी बात है, आप लोग देख कर आए हैं वहाँ पर कितने अच्छे तरीके से किया जा रहा है। तो कहें तो पूरा इंस्टीट्यूट ही बकरी के लिए समर्पित है और नए नए प्रयोग करते रहते हैं, तो उस वहाँ के कुछ अच्छे प्रयोगों को हम यहाँ पर एक तरह से कहें क्रियान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों की भागीदारी और एक कहें प्रोएक्टिव भागीदारी, मतलब आप लोग मन से इसमें लगिए और लाभ इसका होगा तो सभी को होगा। और हमारी बहनें जो यहाँ शांति से बैठी हुई है ना, आप लोगों का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर ही आती है, बकरी को क्या खिलाना पिलाना है, क्या ध्यान रखना है। और जैसे आपने बताया कि हम यहाँ पर समूह बनाने वाले हैं, और उसके अलावा पशु सखी का भी इसमें कॉन्सेप्ट है विपिन जी? जी, जी, जी। तो एक एक हर गांव में एक एक पशु सखी भी नियुक्त की जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी उन लोगों को। और जैसे आप लोगों की छोटी मोटी समस्याएं होती हैं बकरी से रिलेटेड, उसकी तबीयत खराब हो गई तो किस तरह से इलाज किया जाए, वो सबकी वो जानकारी आपको देंगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस योजना का परियोजना का लाभ हम सभी को मिलेगा। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को धन्यवाद, आप लोग थोड़ा इंतजार किए क्योंकि हम दूसरे प्रोग्राम में थोड़ा व्यस्त थे और आगे भी अगले प्रोग्राम के लिए निकलना है, तो आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। और हम अब अनुरोध करेंगे हमारी डीजम मैडम से कि आप लोगों को थोड़ा सा प्रोत्साहित करें इस विषय में।